में बात करेंगे पॉलीमर्स के बारे में, कुछ प्रिपरेशन करेंगे पॉलीमर की। मैंने यहाँ पे लिख दी है ये 16 पॉलीमर है जिनको हम प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। पॉलीमर एक ऐसा चैप्टर है जो 3 मार्क्स फ्री के आपको देगा सीबीएसई पेपर में, ठीक है। 16 पॉलीमर प्रिपरेशन शुरू कर रहा हूँ, यहाँ पे आंसर देखिए प्लीज सुनिए। सबसे पहले फर्स्ट क्या है हमारे पास, पॉलीथीन। हर पॉलीमर के अंदर ये आपको उसके मोनोमर का याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको मोनोमर लग रहे हैं पॉलीमर का काम मिनटों में हो जाएगा, लेकिन अगर मोनोमर लग नहीं है तो आपका पॉलीमर सही नहीं चलेगा, ठीक है। सुनिए सबसे पहले पॉलीमर पॉलीथीन, इसका मोनोमर है, मैं यहाँ पे आपको मोनोमर बनाऊंगा और उसका नाम लिखूंगा, ठीक है। नीचे नाम नहीं लिखूंगा दोबारा से। इसका मोनोमर इथीन है, पॉलीथीन जो इथीन से बनेगा, कैसा बनेगा देखिए। N मोल लेने हैं आपको इथीन के, और यहां पे हमें क्या करना है पॉलीमराइजेशन, और ये जो डबल बॉन्ड है ये चले जाएंगे और कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, और ये जो N मोल है ये यहां पे लगेगा एक एटम के स्पेस में, तो ये लंबी चेन बन जाएगी N नंबर्स की, इसे बोलेंगे पॉलीथीन, ठीक है। सेकेंड सेकेंड है हमारे पास लो डेंसिटी पॉलीथीन LDPE, इसका नाम है लो डेंसिटी पॉलीथीन। इसकी जो डेंसिटी होती है वो होती है 0.9 ग्राम पर सीसी, 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी डेंसिटी है। इसका भी जो मोनोमर है वो मोनोमर क्या है, इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही मोनोमर से। कंडीशन देखिए क्या है, प्रिपरेशन कर रहा हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2 350 से 570 केल्विन टेम्परेचर और 1000 से 2000 एटमॉस्फेयर प्रेशर और ऑक्सीजन की लेयर्स, ये कंडीशन लगानी जरूरी है, ठीक है। जैसे ही आप ये सारा काम करेंगे और इसको पॉलीमराइज करेंगे तो ये इथीन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लो डेंसिटी पॉलीथीन में, इसका नाम है LDPE, ठीक है। तीसरा क्या है हमारे पास, HDPE हाई डेंसिटी पॉलीथीन, इसका नाम है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, और इसकी डेंसिटी कितनी है 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, आप सीसी लिख सकते हैं या सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, 0.05 का डिफरेंस दोनों में, और इसी में इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। इसका मोनोमर क्या होगा जिससे बनेगी, इसका मोनोमर होगा सेम इथीन, ठीक है, लेकिन कंडीशन डिफरेंट होगी, तो कंडीशन देखेंगे ध्यान से। प्रिपरेशन करने जा रहा हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या बनेगा, आप देखेंगे 333 से 343 केल्विन टेम्परेचर और 6 to 7 एटमॉस्फेयर प्रेशर, कैटलिस्ट में क्या डालेगा C2H5 होल थ्राइस Al प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, इसका नाम है ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, डबल बॉन्ड ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, ठीक है, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, क्योंकि Cl4 है इसीलिए टेट्रा लगेगा, ये तीन है तो ट्राई इथाइल लगेगा, ये इथाइल ग्रुप है, और इस पूरे कैटलिस्ट का नाम है जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ठीक है, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने दिया था उसका नाम था सी जिगलर नाटा, ओके। तो ये इथीन सब क्या बनाएंगे, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ये बॉन्ड इस तरह से बाहर निकालने हैं आपने, याद रखना ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड यहां से बाहर निकलेंगे, ये बॉन्ड भी बाहर निकलेगा, इसका मतलब ये कहता है ये लंबी चेन जा रही है, ठीक है, पसंद आ गई। फोर्थ पॉलीप्रोपीन, पॉलीप्रोपीन पॉलीप्रोपीन का मोनोमर क्या होगा, जैसा कि पॉलीमर छुपाएंगे तो जो बचेगा वही मोनोमर होता है, तो ये बनेगा प्रोपीन, ये इसका मोनोमर है, ठीक है। प्रिपरेशन कैसे करेंगे, प्रिपरेशन को ध्यान से देखेंगे,
ये एन लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप ये एन और ये नीचे वाला एन अगर नहीं लगाते हैं तो आपका पॉलीमर नहीं माना जाएगा, मार्क्स पूरा का पूरा कट जाएगा पहले रख रहा हूँ, इसलिए एन को लगाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ लिखेंगे पॉलीमराइजेशन और ये बनेगा आपका सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच, नीचे सी एच थ्री एक बॉन्ड यहां से, और ये हो गया पॉलीप्रोपीन। ठीक है, हमारे पास हम देखेंगे टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का दूसरा नाम है पीटीएफई, इसको बोलते हैं पीटीएफई, फुल फॉर्म है इसकी पॉलीटेट्रा फ्लोरो इथीन। ठीक है, और बनता इससे इसका मोनोमर लिखेंगे हम फटाफट, इसका मोनोमर है सी एफ टू डबल बॉन्ड सी एफ टू, इसका नाम है टी एफ ई। ये टी एफ ई कहां से आप उठाएंगे, टी एफ ई ये सा नाम है टेट्रा फ्लोरो इथीन, पॉली हटा देंगे उसके बाद। ठीक है, परमिशन कैसे करेंगे, सी एफ टू डबल बॉन्ड सी एफ टू एन टाइम्स, एरो के ऊपर क्या चलेगा पॉलीमराइजेशन, और ये बन जाएगा सी एफ टू बॉन्ड सी एफ टू एन, इसका नाम है टेफ्लॉन, या इसका नाम लिख सकते हैं पी टी एफ ई। ठीक है, समझ आ गया सबको टेफ्लॉन कैसे बना। टेफ्लॉन के बाद आएगा पीवीसी, पीवीसी होता है जैसे पीवीसी पाइप बनते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी इसकी फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब आप देखिए अगर मैं पॉलीमर छुपाता हूं तो जो विनाइल क्लोराइड है ये इसका क्या है मोनोमर, जैसे मोनोमर होते हैं तो आप देखेंगे इसका मोनोमर कौन है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एल, इसका नाम है विनाइल क्लोराइड। ठीक है, विनाइल क्लोराइड क्या रखेंगे तो इसकी प्रकाशन कर देता हूं सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एल, यहाँ पे एल लगाना बहुत जरूरी है, एरो पे हम हर बार वही दिखेंगे जो हर बार लिखते आ रहे हैं पॉलीमराइजेशन, जहां पे डबल बॉन्ड है वहां सिंगल करके उसके दोनों बॉन्ड्स को आगे निकाल देंगे और ये बनेगा पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। पसंद आ गई, यहां तक मैं इसको प्लग कर रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए मैंने अच्छे पॉलीमर बनवाए हैं पॉलीथीन से लेकर पीवीसी तक, देख लीजिए प्लीज। कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट में डाल दिया करें, प्लस इससे जो भी हैंडरिटन नोट्स हैं कंप्यूटराइज नोट्स हैं जो भी मिनिमम से मिनिमम आसान से आसान लैंग्वेज में जो मैंने बनाए हुए हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से उठा लेगा, वहां से उठाने के बाद भी समझ में आ रहा है तो दिए हुए नंबर पे कॉल कर लेना, बस इसके बाद तो ऐसी बात होगी पूरे के पूरे तीन के तीन नंबर आपको इसके लेने हैं। ठीक है, देखिए मैं फाइबर नायलॉन दोनों भाई भाई है, बस फाइबर के फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग है।
यहां से देखेंगे, यहां एनएच लेंगे, एक कार्बन यहां लगाएंगे, एक कार्बन यहां लगाएंगे, एक यहां लगाएंगे, एक यहां लगाएंगे, एक यहां लगाएंगे, कितने कार्बन गए, एक दो तीन चार पांच। जैसे ही इलेवन तो ऑलरेडी के बच्चों को ये दिखता है वो कहते हैं ये तो बेंजीन हो गया, और ये बेंजीन बना देते हैं, एक बेंजीन नहीं है, एक दो तीन चार पांच, सिर्फ पांच कार्बन लगाने, छठे के साथ जब कार्बन लगेगा तो सी डबल ओ लगेगा, इसे कहते हैं ट्रिपोडेक्टन। ठीक है, ब्रेक कैसे करेंगे देख लीजिए ध्यान से, एनएच एक दो तीन चार पांच कार्बन हमारे एल्काइल के और साथ में एक फंक्शनल ग्रुप, इसको आप 533 केल्विन पे हीट करेंगे तो ये बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, जैसे ही आप इसको फर्दर हीट करेंगे और पॉलीमराइज्ड करेंगे, पॉलीमराइजेशन के लिए आप यहाँ पे एन ले लीजिएगा तो ये क्या लग जाएगा आपका, यहाँ पे एनएच निकलेगा, ये बॉन्ड CH2 as it is 5CO और as it is N, इसे कहते हैं नाइलॉन 6, जितने भी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होते हैं इनके थ्रू होते हैं, नाइलॉन्स जो होते हैं उन्हें नाइलॉन्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये दो नामों से मिलकर बना है नाइलॉन, दिस नाइ स्टैंड फॉर न्यूयॉर्क एंड लॉन स्टैंड फॉर लंदन, जो दो साइंटिस्ट नाइलॉन की डिस्कवरी की वो न्यूयॉर्क से और लंदन से थे, तो इसीलिए इसको नाइलॉन कहते हैं। और नाइलॉन क्या है, सिक्स का मतलब क्या है, इसमें टोटल सिक्स कार्बन है, टोटल पांच कार्बन ये वाले, एक कार्बन ये वाला, तो छह कार्बन बनने की वजह से इसे नाइलॉन सिक्स कहते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारे पास नाइलॉन सिक्स सिक्स, नाइलॉन सिक्स टेन, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए नाइलॉन सिक्स सिक्स, इसके मोनोमर हेक्सामिथाइलिन डायमाइन एंड एडिपिक एसिड इसके मोनोमर है, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन छह कार्बन है इसलिए हेक्सा यूज कर रहा हूं, एडिपिक के मतलब इसमें भी चार और दो छह कार्बन है इसीलिए दोनों को बोलते हैं सिक्स सिक्स, ध्यान रखिएगा। प्रिपरेशन में करूंगा एन टाइम्स NH2CH2 होल सिक्स, साथ में NH2 प्लस एन टाइम्स COOH साथ में CH2 होल फोर, जैसे ही पॉलीमराइज्ड करूंगा ध्यान से देखिएगा, इसका एक एच हटा दो, इसका भी एक एच हटा दो, इसका OH हटा दो, इसका भी OH हटा दो, ये एच और वो OH मिलकर ऑटो बनाकर बाहर निकल जाएगा, सबको बाकी रेसिडुअल छोड़ दो, NHCH2 होल 6 NHCO CH2 होल 4 C डबल O बॉन्ड N, ये आपका बन गया नाइलॉन 6 6। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखो फिर से बता रहा हूं, NHCH2 6 NH, NHCH2 6 NH, सुनिए NHCH2 6 NH, डन, CO CH2 होल 4 CO, CO CH2 होल 4 CO, ऐसे किस बॉन्ड बनाकर आपको छोड़ना है नाइलॉन 6 6 में, पूरे मार्क्स में कोई भी एक नंबर नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारे पास जो है नाइलॉन 6 10 है, सिक्स का रिप्लेसमेंट टेन पे डालेंगे, ध्यान से समझिएगा, इसी में करवाऊंगा, इसको नोट करने के बाद आप इसको लिख सकते हैं टेन नाइलॉन सिक्स टेन, सिक्स के लिए यही सेम रहेगा, टेन के लिए यहां से हटकर कितना रह जाएगा एट, क्योंकि दो कार्बन तो ये रह गए ना, दस बनाने आठ दो दस, इसका नाम बदल जाएगा, नाम बन जाएगा सेबेसिस एसिड, याद रखिएगा। ठीक है, प्रिपरेशन में क्या करेंगे, ये छह सेम रहेगा, ये साथ में आठ बन जाएगा, ये ही सेम चलेगा और ये आठ बन जाएगा, बस दोनों से सेम बन गया, दोनों दोनों एक साथ पैरेलल पोजीशन पे चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ब्यूना एस ब्यूना एन, दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीबी हैं, ध्यान से समझिए, इसी के दृष्टि बात बताता हूं, देखिए ब्यूना एस दोनों ही रबड़ के पार्ट है, ध्यान रखिएगा, फोर्स होते हैं इलास्टोमर, सबसे कमजोर फोर्स होता है रबड़ के अंदर,
और वो ब्यूनाइस कंटेन करके रखा हुआ है, इसको मैं हटा लूं, ठीक है। देखिए CO, ये CO जाकर इस O से कनेक्ट हो जाएगा,
और ये आ गया टैलिन, ठीक है। टैलिन बहुत सारे कॉटन इंडस्ट्रीज में, कपड़ों इंडस्ट्री में काम आता है, ठीक है, समझ लीजिए ध्यान से। टैलिन क्या होता है, लिप्टन, चौथे नंबर पे। टाइम कम होता जा रहा है, थोड़ा जल्दी देखिए, चौदह नंबर पर मैं इसकी जगह क्या करूंगा, लिप्टन। थोड़ा टाइम की शॉर्टेज इसलिए कर रहे हैं इस तरह से, इसका मोनोमर होगा थैलिक एसिड और थैलिक ग्लाइकोल, उसमें था थैलिक एसिड और थैलिक ग्लाइकोल, थैलिक पर घट जाएगा तो थैलिक एसिड बन जाएगा, थैलिक में ऑर्थो पे निकल के रहता है, थैलिक थैलिक में पैरा में निकला जाता है सीओ एच, ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रिपरेशन देखिए, दोनों का एम लेना है, थैलिक एसिड का भी थैलिक ग्लाइकोल का भी, ठीक है। मैंने कहा था इसका OH, इसका OH निकालने के लिए ऐसा कीजिए, OH एक बाहर, एक OH H के साथ, CO के साथ बॉन्ड बना के ऐसे की लंबी चेन, असल में ये दो पॉलीमर अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि टाइम हमारा ऑलमोस्ट खत्म होने लगा है, ठीक है। इतने पॉलीमर के बाद अब ये वीडियो में बाकी बचे हुए जो 7-8 पॉलीमर हैं वो खत्म होगा, फटाफट जल्दी से देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद अभी आता हूँ, तुरंत इसके नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा, थैंक यू, तब तक के लिए।